ये है दुनिया का सबसे महंगा कैमरा। जी हाँ बिल्कुल, आप इसको खरीद नहीं सकते, ये इतना महंगा है। और जो इसको बनाया है वो इसको बेचता भी नहीं है, इसको खरीदा नहीं जा सकता, इसको रेंट किया जाता है। और इसको एक दिन का रेंट करने का चार्ज आता है पूरे 5 से 6 लाख रुपए। और जो इसको बनाया है, आप उसके पास जाके बोलेंगे भैया मैं इसको खरीदना चाहता हूँ मेरे को दे दीजिए, वो एक ही बात बोलेगा, औकात में रह ले औकात में। मैं बात कर रहा हूँ IMX कैमरास के बारे में। जी हाँ, आप ये जो स्क्रीन पे जो कैमरास देख रहे हैं इतने महंगे हैं कि इनको खरीदा नहीं जा सकता। और इनसे ज्यादातर मूवी हॉलीवुड में बनती है। क्रिस्टोफर नोलन को तो आप जानते होंगे, जो कि अभी इनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ओपनहाइमर। और इस कैमरे से बॉलीवुड में सिर्फ एक फिल्म बनी है, वो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन इस कैमरे के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो, जो हमारे बॉलीवुड में जो भी कैमरा यूज होते हैं मूवी शूट के लिए, ज्यादा से ज्यादा 4K 8K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो ये कैमरा, ये रिकॉर्ड करता है 10K to 18K तक, समझ रहे हो, 18K तक। आप ये जो ढक्कन देख रहे हैं इसको इतना भी जूम कर लीजिए, इतना जूम कर लीजिए, तब भी इसकी क्वालिटी HD ही रहेगी। इस पर के बैक्टीरियाज दिखने लगेंगे। नहीं, ये ज्यादा हो गया चले तू भैया, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है यार दुनिया में। और अगर हम बात करें इन कैमरा के यूजर्स के बारे में, तो ज्यादा इसको क्रिस्टोफर नोलन ही यूज करते हैं, क्योंकि अभी आई थी ओपनहाइमर और इंटरस्टेलर मूवी तो आप देखे होंगे, वो भी इसी कैमरा से शूट हुई है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये भी कैमरा आम कैमरे को जैसे होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे बटन दबाया और शूट करना स्टार्ट कर दिया, जी बिल्कुल नहीं। इसको अगर आपको यूज करना है तो इसके साथ 10 से 15 आदमी आएंगे सिर्फ एक शॉट लेने के लिए, एक सीन का, इसीलिए इसका रेंट भी हाई होता है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होगा इसको बेचा क्यों नहीं जाता है। देखो, ये कैमरा बनाया ही गया है पूरे दुनिया में 20 से 25, तो बेचेंगे कहां से। मेरे को तो लगता है जो इसको बनाया होगा ना, वो खोज करके बना के निकल गया होगा, इसकी वजह से अब बन नहीं सकता, ऐसा ही है ना। नहीं। और अब आ जाते हैं अपने बॉलीवुड पे। हमारे बॉलीवुड में कौन सी मूवी बनी है इस कैमरे से? मूवी है सिर्फ एक, अपनी पठान, वो है हमारे किंग खान शाहरुख खान का। देखो, मैं इसीलिए बोलता हूँ शाहरुख खान अलग आदमी है, ही इज अ डिफरेंट पर्सन। अंग्रेजी निकल जाती है थोड़ी सी, लेकिन ही इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन। लोग अपनी मूवी का प्रमोशन करते हैं IPL में, बड़े बड़े शोज में, लेकिन अपने पठान भैया अपने किंग खान मूवी का प्रमोशन करते हैं डायरेक्ट फीफा वर्ल्ड कप में। थोड़ा सा अपने पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो गया, चलिए अपने लाइन पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं इस कैमरे से। देखो, जो क्रिस्टोफर नोलन है इस कैमरे को यूज करते हैं अपनी मूवी को शूट करने के लिए। अगर उनको ब्लॉग बनाना रहता है ना, तो ये बॉलीवुड के कैमरे उठाते हैं। मजाक कर रहा हूँ। देखो, इन कैमरों की जो क्वालिटी होती है बहुत ही अलग टाइप की होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस कैमरे को शूट करने के बाद आप एक नॉर्मल स्क्रीन पे इसकी क्वालिटी को एंजॉय कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि आप इसको बड़े पर्दे पे भी उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। इसके लिए आता है IMAX। इसके लिए अलग से आपको एक सिनेमा घर बनाना पड़ेगा जिसका नाम होता है IMAX। पूरी दुनिया में लगभग 2700-2800 ऐसे ही मूवी थिएटर हैं जो कि IMAX हैं। और जो भी मूवी IMAX कैमरे से शूट हुई होती है वो जाके वहां पे लगती है, तभी आपको पता चलेगा कितना बढ़िया क्वालिटी आता है उस कैमरे से। और मैं भी अब धीरे धीरे सोच रहा हूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी IMAX कैमरे से ही बनाऊं। औकात में रहो। तो ये था आज का वीडियो दुनिया के सबसे महंगे कैमरे के बारे में। लेकिन अगर आपको जानना है इंडिया की सबसे पहली फिल्म कौन थी, उसके लिए अभी जाके इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने बताया दुनिया की सबसे, इंडिया की सबसे पहली फिल्म कौन सी। अभी जाके इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में। बाय। वीडियो देखिए।